नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बैटरी ऑटो ई रिक्शा। ऑटो चालकों ने आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित अंबेडकर ग्राउंड में प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों पर कहना है कि हमें पुलिस द्वारा जगह जगह रोका जा रहा और ना ही हमारे ऑटो खड़ा करने के लिए कोई स्टैंड बनाकर सरकार द्वारा दिया गया, जिसके चलते हमें रोडों पर खड़ा होना पड़ता है और हमें काफी समस्या पर सामना करना पड़ रहा है। अपना जीवन यापन करना, अपना परिवार पालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज हमने सरकार से ऑटो स्टैंड दिए जाने की मांग करी। प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्रीय थाना टीटी नगर से तत्काल SI मीणा एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर उनकी समस्या को आगे बताने की बात कर प्रदर्शन समाप्त करवाया। मूलचंद मीणा, SI टीटी नगर थाना भोपाल। सर, आज ये सूचना मिली थी कुछ ऑटो चालक यहाँ पे जमा हो रहे हैं, क्या वजह थी इनके जमा होने की? ये सूचना थाना टीटी नगर में प्राप्त हुई। तुरंत बाद पुलिस बल लेकर यहाँ ग्राउंड में उपस्थित हुआ। SI मूलचंद मीणा, अरुण पांडे के नेतृत्व में ई रिक्शा यूनियन जय हिंद के आपसी में इन लोगों ने बातचीत की, शांतिपूर्वक इनका प्रोग्राम संपन्न हुआ और अपने अपने घर ये वापस चले। क्या मांग थी सर, क्या इन लोगों को एकत्रित होना पड़ा यहाँ पे? मांग तो अरुण पांडे ने अभी बताया नहीं। और इनका ऑटो स्टैंड भी निश्चित किया जाए, उनका स्थान भी निश्चित किया जाए। ऑटो स्टैंड की मांग कर रहे हैं लोग, ऑटो स्टैंड। और ये कह रहे हैं पुलिस जो है इनको स्पॉट पे रोक रही है, चलते फिरते मतलब परेशान कर रही है। इनकी जो मांगे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। नहीं, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है और ना ही पुलिस ने प्रताड़ित किया, जगह जगह ना ही इनको रोका, ना ही जगह जगह रोकते। इनका ये कहना असत्य है। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ लोग थे क्या? यहाँ करीब 30-40 ई रिक्शा थे, इतने लोग थे जो आपसे बातचीत कर रहे थे। आपके समझाए इसके बाद ये फिर वापस उनसे बातचीत की, चर्चा की और समझाए के बाद उनको लोग अरुण पांडे जी इस बात से सहमत हो गए और वो अपने अपने घर वापस चले गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।